कृष्णा वाटिका में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में भाजपा पार्षद पर चाकू से हमला कर दिया गया। पार्षद को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना भाजपा विधायक के सामने हुई। इस दौरान विधायक और सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कराया। उज्जैन में बदमाशों में पुलिस का खौफ कम होता जा रहा है। कार्तिक मेले में बदमाशों द्वारा हत्या की वारदात को 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि शहर में जनप्रतिनिधि पर बदमाशों ने चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दे दिया। गुरुवार रात को बदमाशों ने शहर के थाना जीवाजीगंज क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा वाटिका गार्डन में आयोजित एक विवाह समारोह के दौरान वारदात को अंजाम दिया है। गुरुवार देर रात नगर निगम वार्ड 24 के भाजपा पार्षद सुशील श्रीवास उज्जैन उत्तर के विधायक व पूर्व मंत्री पारस जैन शहर के खाक चौक समीप कृष्णा वाटिका में एक शादी समारोह में सम्मिलित होने पहुंचे थे। रात 10 बजे दोनों कार्यकर्ताओं के साथ गार्डन से बाहर की ओर लौटने लगे। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही एंट्री गेट पर आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने अचानक पार्षद पर हमला कर दिया। भाजपा पार्षद सुशील श्रीवास को पेट में चाकू लगने से 6 टांके आए। विवाद के दौरान बामुश्किल मौके पर मौजूद विधायक के गार्ड व पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया और पार्षद को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। विधायक और पार्षद की गाड़ी एंट्री गेट पर खड़ी थी और सामने से एक कार और आ रही थी। सामने से आ रही गाड़ी का रास्ता रुकने की वजह से पार्षद और हमलावर के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि अज्ञात बदमाशों ने पार्षद को चाकू मार कर घायल कर दिया। आरोपियों ने विधायक पारस जैन के सामने घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्य के आधार पर तलाश कर रही है। विवाह समारोह में हुई घटना से अफरा तफरी मच गई। पार्षद को घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद शहर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबर लगते ही महापौर सहित बीजेपी के आला नेता पार्षद का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचने लगे। हालांकि पार्षद की स्थिति सामान्य है। थाना प्रभारी गगन बादल ने कहा कि जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना में लिया है। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों को चिन्हित किया जा रहा है। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा वाटिका जो कि खाक चौक के पास में है, वहाँ पर जनप्रतिनिधि सुशील श्रीवास जी किसी विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। वहाँ गाड़ी पार्किंग को लेके कतिपय लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनको चाकू से चोट पहुँचाई गई है। अभी वे सिविल हॉस्पिटल उज्जैन में इलाजरत है। हमने उनसे चर्चा भी की है। आरोपी गणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर कई जनप्रतिनिधि भी थे, संभवतः अभी जांच की जा रही है और भी बहुत सारे तथ्य सामने आए। कितने चाकू लग गए, क्या अभी वो इलाजरत है, अभी मेडिकल रिपोर्ट देखेंगे और इलाज करता डॉक्टरों से चर्चा करके सारी जानकारी लेंगे। पेट पे घाव पहले उसमें कौन लोग हैं ये चाकू अभी उसी के संबंध में तलाश की जा रही है।